नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। नमस्कार, मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ भोजपुरी के टॉप 5 खबरों के साथ जो कि जुड़ी हुई है आपके भोजपुरी इंडस्ट्री से। जी हाँ, भोजपुरी दर्शक लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार से जुड़ी इतना ज़्यादा प्यार है, उनसे इतना ज़्यादा लगाव है कि उनकी जीवन से जुड़े, उनके फिल्म से जुड़ी हर एक खबर जानने के लिए वो बेताब रहते हैं और इन्हीं खबरों को मैं आपके सामने लेकर के शुरू आती हूँ हर रोज। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं भोजपुरी के टॉप 5 खबरों में। आज सबसे पहले जो टॉप 5 में सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे वो है भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के बारे में। जी हाँ, आम्रपाली और निरहुआ की जो फिल्म थी सिपाही वो 10 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। अभी इस फिल्म को रिलीज किया गया था सोशल मीडिया पे और वो अभी 2-3 दिन के अंदर ही ये फिल्म 10 मिलियन का जो आंकड़ा होता है, व्यूज होते हैं, वो पार कर चुकी है। वैसे ये फिल्म थी ही इतनी बड़ी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे भोजपुरी स्टार भोजपुरिया राजा पवन सिंह के बारे में। जी हाँ, पवन सिंह की फिल्म डकैत जो कि आज से 3 साल पहले आई थी, अप्रोक्सीमेट 2014 में आई थी और ये फिल्म आज यूट्यूब सोशल मीडिया यूट्यूब पे उन्हें रिलीज़ किया गया है और ये फिल्म ट्रेंडिंग में चल रही है। जी हाँ, पवन सिंह की फिल्म को दर्शक काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हालांकि ये फिल्म काफ़ी समय पुरानी है। इसके अलावा हम आज बात करेंगे पवन सिंह के स्टेज शो के बारे में। पवन सिंह का स्टेज शो पहले तो आसाम में हुआ, उसके बाद इनका स्टेज शो कोलकाता में हुआ। कितनी धमाकेदार उनकी एंट्री हुई थी, कितने अच्छे से उनका भव्य स्वागत किया गया था, ये सारी जानकारी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे भोजपुरी के देसी हीरो खेसारी लाल यादव के बारे में। जी हाँ, भोजपुरी के देसी हीरो खेसारी लाल यादव की बहुचर्चित फिल्म है दीवानापन, जिसका ट्रेलर और फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च होने के बारे में कहा जा रहा है और फिलहाल इसका फर्स्ट लुक आउट कर दिया गया है। दीवानापन का ट्रेलर तो रिलीज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा दर्शक इसे पसंद भी कर रहे हैं और फिल्म बहुत जल्दी रिलीज कर दी जाएगी। कहा यह जा रहा है फिल्म फरवरी में रिलीज होगी। इसके साथ साथ हम जाते जाते आपको बात करेंगे निरहुआ की एक और फिल्म लंदन। जी हाँ, निरहुआ चलल लंदन के बारे में, जिसका टीजर 1 मिनट का टीजर दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप 5 खबरें। भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और भोजपुरी की नंबर 1 एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की बहुचर्चित फिल्म सिपाही क्रिसमस की पूर्व संध्या पर डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर वेब म्यूजिक कंपनी द्वारा रिलीज की गई। जी हां, सिपाही में जुबली स्टार दिनेश लाल यादव एक पुलिसकर्मी की भूमिका में है। बता दें, छोटे पुलिसकर्मी को होने वाली परेशानियों को इस फिल्म में उजागर किया गया है। प्रिमांशु सिंह निर्देशित बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी सिपाही यूट्यूब पर रिलीज होते ही वायरल हो गई है। जी हाँ, शुरुआती के एक दिन में इस फिल्म को 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया था, तो वहीं इस फिल्म को अब 10 मिलियन से ज्यादा भी बार देखा गया है। जी हाँ, सिपाही का जलवा बॉक्स ऑफिस के बाद अब यूट्यूब पर बरकरार है। यूट्यूब फिल्म के रिलीज से पहले सिपाही हर एक गाने को 10 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। फिल्म सिपाही बिहार के लगभग सभी बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा चुकी है। बिहार के दर्शक भी फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के तो वैसे हर फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी जम के चला था। ठीक वही तरह से पवन सिंह के एक और फिल्म सोशल मीडिया पे जम के धमाल कर रहा बा। जी हाँ, रुवा लोगन के बता दी कि पवन सिंह के फिल्म डकैत जे फिल्म के 30 दिसंबर के सोशल मीडिया पे अपलोड कैल गेल रहे, लेकिन आज ए फिल्म के 20 लाख से ज्यादा लोग देख ली हले बा। यानी कि पवन सिंह के ए फिल्म के 20 लाख से ज्यादा लोग देखला के साथ साथ 3000 लोग ए फिल्म के लाइक भी कैला सा। एक साथ ही रउआ लोगन के बता दी कि ए फिल्म में 3 साल पहले भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे ले रहे। वैसे पवन सिंह के ए फिल्म में पवन सिंह के भरपूर एक्शन दर्शक लोगन के देखे के मिल रहा। एक साथ ही पवन सिंह फिल्म में मोनालिसा के साथ रोमांस करत दिखाई दे रहा बड़े। वैसे अब देखे वाला बात ये हुई कि पवन सिंह के ये फिल्म इंटरनेट पे कब तक धूम मचावता।
पवन सिंह की जो तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, शायद इसे देखने के बाद आपको पवन सिंह से और भी प्यार हो जाए। जी हाँ, भोजपुरी फिल्म के सुपरहिट जोड़ियों में से एक है पवन सिंह और अक्षा सिंह। अपने स्टेज शो के लिए विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जाते रहते हैं। इसी बीच उन्होंने नया साल कोलकाता में सेलिब्रेट किया। जी हाँ, उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की है जिसके गाने पर दर्शक झूमते नजर आए। दरअसल कोलकाता में पवन सिंह का स्टेज शो था। हाल ही में पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक वीडियो भी शेयर किया था। इस वीडियो में पवन सिंह और अक्षय सिंह एक साथ एक झलक पाने के लिए लोग काफी भारी संख्या में मौजूद रहे। इसके पहले नए ईयर के मौके पर कोलकाता में संपन्न हुए शो में पवन सिंह के साथ अक्षय सिंह भी शामिल हुई। इसके साथ साथ अक्षय सिंह को भी एक वीडियो साझा किया गया जिसमें पवन सिंह स्टेज शो पर खड़े होकर गाना गा रहे थे। इसके साथ अन्य कलाकार टीम मेंबर दिखाई दे रहे हैं और स्टेज के चारों ओर दर्शकों की भीड़ लगी हुई है। अपने हाथ में माइक थामे हुए पवन सिंह दर्शकों से कुछ बोल रहे हैं। देसी हीरो खेसारी लाल यादव और सीजलिंग एक्ट्रेस काजल राघवानी की रोमांटिक फिल्म दीवानापन का फर्स्ट लुक आउट कर दिया गया है। जी हाँ, खेसारी काजल की जोड़ी साल 2018 में एक बार फिर से भोजपुरी स्क्रीन पर धमाल मचाने को तैयार है क्योंकि इस फिल्म का प्रदर्शन फरवरी में किया जाएगा। इस आकर्षण फर्स्ट लुक को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी मजेदार होने वाली है। वैसे इस फिल्म में खेसारी लाल काजल को इसलिए गिफ्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि काजल और खेसारी का साल 2018 का पहला फिल्म होगा। जी हाँ, अम्बे फिल्म्स के बैनर तले निर्मित दीवानापन वैलेंटाइन डे पर भोजपुरी दर्शकों के लिए काजल खेसारी के तरफ से वैलेंटाइंस डे गिफ्ट माना जा रहा है। इस फिल्म के जरिए आप भी अपने वैलेंटाइंस डे को खास बनाएंगे, इसलिए फिल्म के निर्माता संजय कुमार गुप्ता ने दीवानापन को पूरे परिवार के साथ आकर देखने की अपील की है। वहां उम्मीद करते हैं कि लोगों को फिल्म काफी ज्यादा पसंद आएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिल्म के प्रचारक संजय भूषण पटियाला है जबकि फिल्म में खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी, संजय पांडे, संजय महानंद, अमृता पांडे, नीलम पांडे, प्रदीप शर्मा, संत्या वर्मा, अभय राय जी, नीलम सवानिका वरसोला, रोहित सिंह, अमित अंजना मुख्य भूमिका में है। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के बहुचर्चित फिल्म निरहुआ चलल लंदन के टीजर के 31 दिसंबर के यूट्यूब पर रिलीज कर दी गई। जी हाँ, जे फिल्म के लेकर के खबर काफी समय से आत रहल, वैसे इस बात के जानकारी निरहुआ अपन सोशल मीडिया के जरिए पहले ही अपन दर्शक लोगन तक पहुँचा दिल रहनी। वैसे हम लोगन के बता दी कि निरहुआ के टीजर जे दिन भी रिलीज भेल रहे ओ दिन ही ए टीजर के देखे खातिर दर्शक लोगन काफी ज्यादा उत्साहित रहनी। तब वही आज एक मिनट के टीजर के 2 लाख से ज्यादा बार देख चुकल बटे दर्शक लोग। जी हाँ, अब वैसे तो दर्शक लोगन ए फिल्म के पूरा टीजर ही काफी ज्यादा पसंद आयल बा, लेकिन सबसे ज्यादा जे पसंद आयल हा वो टीजर में दिखावल गयल गाना हा। जे गाना के बोल हा चोई चोई आज रात बोली पूरा लंदन। जे गाना में निरहुआ के एगो अलग ही अंदाज देखे के मिलल हा। जी हाँ, देसी निरहुआ के गाना में लुक बिल्कुल विदेशी नजर आई। एक साथ साथ निरहुआ लंदन के गोरी लड़की सन के साथ नाचते दिखाई दी। तो दर्शकों, ये थी आपकी भोजपुरी की टॉप 5 खबरें जो कि आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं दर्शकों की। हर बार की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम को इतना प्यार दिया और दे रहे हैं। ऐसे ही हम पे अपना प्यार बरसाते रहिएगा और आपको आपके सुपरस्टार्स के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई भी मैसेज भेजना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप इस प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए लिख करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सुपरस्टार की जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुँचाएँ। और ऐसे ही खास खबरों, भोजपुरी की खास खबरों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया। आज की टॉप 5 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगी भोजपुरी की टॉप 5 खबरों के साथ जो कि जुड़ी होंगी आपके सुपरस्टार के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।